मानव समाचार मानवता के हक में। तो आज अभी थोड़ी टाइम पहले बुधवाई रोड के इंडस्ट्रियल सोसाइटी कंपाउंड के शॉपिंग सेंटर में एक मोबाइल दुकान से आग लगाने के पूरी दुकान तर हो गई। दुकान के मोबाइल, वहाँ का फर्नीचर, पत्रा और अतराफ की दुकानें भी मुतासर हुई। उसी वक्त जुमा के नमाज के फौरन बाद आप देख रहे होंगे, ये रहमानपुरा इलाका है जो देवी का मंडा, दरेगांव और दयाना के बीच में आता है। ये गोदाम सेट का, प्लास्टिक सेट का, प्लास्टिक का गोदाम था जहाँ आज नामालूम वजह से जुमा के फौरन बाद आग लग गई। और आग लगने के बाद आज जुमा कारोबार बंद हो गया, उसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि इलाके के सारे मजदूर फ्री है। सारे मजदूर फ्री होने की वजह से सब लोग यहाँ पर आग बना रहे हैं। अतराफ के मोहल्ले के सभी लोग इस आग बुझाने की कोशिश में इनकी हेल्प कर रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट रमजानपुरा पुलिस के भी आए और उनके अधिकरण पुलिस और फायर ब्रिगेड के लोग भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बड़ी जागरूकानी है पवार साहब के, यहाँ पर ये लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये पत्रे का सेट और प्लास्टिक जो बहुत मुश्किल से बुझती है, आप देख रहे होंगे इतनी गाड़ियों के पानी मारने के बाद भी आग बुझने के ऊपर काबू नहीं पा रही है। ये मालेगांव वो शहर है कि जहाँ लोग एक दूसरे की मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ इतने सारे लोग मदद के लिए खड़े हो गए जो गुरुराम सेठ के गोदाम में आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आग पर अभी मुकम्मल काबू तो नहीं पाया गया मगर आग बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड के लोग, पुलिस डिपार्टमेंट, अतराफ के नौजवान, यहाँ के लेबर और सब मोहल्ले के लोग हैं जो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज आपको बता दें कि मालेगांव शहर में आग चली गई है। दूसरा वाकया था बुधवाई रोड, एक शॉपिंग की दुकान, एक मोबाइल की दुकान जल जाने के बाद में ये प्लास्टिक गोदाम का आज एक दूसरा वाकया है। आप आपके बोले देख सकते हैं पीछे भी आपके धुएं छूट रहे हैं। अतराफ में कोई आबादी नहीं होने की वजह पीछे कोई बस्ती, किसी घर को नुकसान नहीं हुआ क्योंकि ये गोदाम बस्ती से आबादी से हट करता। अगर यहाँ पर कहीं किसी का घर होता, मकान होता तो बहुत मुश्किल से साथी थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर कोई जानी नुकसान नहीं होता, कोई तकनी नहीं होता था। माली नुकसान का कोई अंदाजा नहीं कि इन लोगों को कि कितने माली नुकसान का अंदाजा हुआ, ये पंचनामे में ही पता पड़ेगा। यहाँ के लोगों का ऐसा बताना है कि ये गोदाम काफी दिनों से बंद था और बंद गोदाम में आग लगी है। आग लगने का सबब अभी भी मालूम नहीं हो सका। यहाँ के स्थानीय आदमी जब पूछते स्थानीय से बंद था, काफी दिनों से बंद था कारखाना, तो आग कैसे लगी ये तो नहीं मालूम हो सकता, वोल्टेज की वजह से हुआ हो। तो आज जुम्मा का दिन रहता है, सब काम सब बहुत दिन से बंद है, कारखाने बंद है, पावर होता फुल हो भाई, वोल्टेज की वजह से हुआ। गोदाम में क्या क्या चीज थी? काम बंद है, स्क्रैप कर रही और क्या जुमा के रोज होता ही है। भाई साहब का कहने का मतलब ये कि जुमा के दिन तमाम कारखाने बंद होते हैं, इस दरमियान में वोल्टेज ज्यादा होता है। मालेगांव शहर में पावर का निजाम इतना खराब है कि 100 हॉर्स पावर की डीपी पे 250-300 ओवरलोड पावर कनेक्शन दिए जाते हैं। इसकी वजह से डीपी उड़ती है, यहाँ का जंपिंग जो है बार बार जामर टूटता है, ज्वाइंट लगे हुए हैं, कहीं खंभे बराबर नहीं है, कहीं मकान और गोदाम से आप देख रहे होंगे कि शॉर्ट सर्किट के अस्बाब के यहाँ पर ये वायर लगे हुए हैं। ये वायर पत्रों से शेड से बिल्कुल करीब होते हैं। पहले जब सरकार के हाथ में मुकामी एमएसईडी का कारोबार था तब भी यही रोना था, अब जब ये पावर का निजाम कलकत्ता की द पावर कंपनी ने ले लिया उसके बाद भी ये निजाम सुधर नहीं रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग बता रहे कि शायद ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकता है। बहरहाल इस तालुक से पंचनामा आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे। मानो समाचार, थैंक यू।